हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विक्रम। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोग आखिर देखते रहेगा। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड था, उसके बाद माइजोन क्रेडिट कार्ड था, उसके बाद एस क्रेडिट कार्ड भी मैंने लिया था, जो कि सभी एक ही लिमिट के ऊपर दिया गया था। 29,000 का लिमिट मिला था, तो मुझे उस लिमिट के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों। तो उस वजह से मैंने एप्लीकेशन किया, ट्राई करने के देखना चाहता था कि लिमिट इन्हेंस होता है कि नहीं। मेरे पास पर्सनली कोई भी ऑफर नहीं आया था। मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, किस तरीके से किया और किस तरीके से मैंने लिमिट बढ़ाया है। लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हो, लिमिट मेरा बढ़ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो कितना लिमिट बढ़ा है, और आप लोगों को पूरा का पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा एकदम आपके ऊपर होता है, आपका जो बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, आप बैंक में किस तरीके से आप लोग आपका बिहेवियर है, कितना लोन डिफॉल्ट करते हो वगैरह वगैरह, जो कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। तब उसके बाद आपका जो लोन है, मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, वो एक तरह का लोन ही होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से इन्हेंस कर देंगे। तो मेरे पास 29,000 का लिमिट था, मेरे पास बहुत सारा अभी मतलब 80,000 का लिमिट हो चुका है, जिसके अंदर से मैं अच्छा खासा एक चीज़ मतलब 50-60 हज़ार का चीज़ एक साथ में मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। EMI भी करवा सकता हूँ, तो ये एक अच्छा बात होता है, ठीक है। तो चलिए, किस तरीके से मैंने बढ़ाया है वो आपको बता देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, क्या क्या मुझे प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, वो सब कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को अगर मतलब आप लोग दोस्तों का शेयर करोगे तो उनको भी पता चल जाएगा, वो अपना जो क्रेडिट कार्ड अगर लिमिट थोड़ा सा बढ़ा पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप लोग मैन्युअली बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पे मैं अपना जो एप्लीकेशन का मतलब एक्सिस बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ एक सेकेंड। तो गाइस, सक्सेसफुली ये देख सकते हो, हमारा जो क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन है यहाँ पे हमने लॉग इन कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरा लिमिट पहले था 29,000, अभी 81,000 का हो चुका है। मैंने 175 पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ये पहले का, ये हमारा फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, इसका लिमिट एनहांस नहीं हुआ है अभी हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो, 28,000 का ही 29,000 का ही यहाँ पे लिमिट मेरा शो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने कौन सा एप्लीकेशन मतलब सॉरी कौन सा कार्ड का बढ़ाया है वो मैं बता देता हूँ, और सभी कार्ड का नहीं बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ा सकते हो वो भी बता देता हूँ। तो ये जो कार्ड है माइजोन क्रेडिट कार्ड, ये मेरा 3 महीना पुराना हो चुका है। और ये एप्लीकेशन आप अगर ये मेल अगर अपना, मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेल करना होता है, कौन से मेल आईडी पे भेजना होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। वो आपको जब भी मतलब यहाँ पे देख सकते हो, 81,000 का मेरा लिमिट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा टोटल लिमिट एक साथ यहाँ पे मेरा जो माइजोन का जो लिमिट है 81,000 का हो चुका है। इससे मैं मेरा एक्सिस बैंक का जितना भी मेरा बेनिफिट्स है, एक्सिस बैंक जो कार्ड है उसके थ्रू जितना भी बेनिफिट्स है ज्यादा अमाउंट का, वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और क्या मेल किया था, क्या क्या किया था, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले देख लेना है आपका कार्ड का एज कितना है, 3 महीना मिनिमम पुराना होना ही चाहिए कार्ड, 3 स्टेटमेंट आपका जनरेट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप ये एप्लीकेशन करोगे तो ही आपका हो जाएगा। और आप अगर इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपका जो ITR का इनकम प्रूफ है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ किस तरीके से मेल आपको करना है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, कल यहाँ पे 6:43 पे यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज आया था, थैंक यू फॉर योर ईमेल, वी हैव इनिशिएटेड ए रेजोल्यूशन टू योर स्टेटेड इशू SR नंबर इतना, वी विल गेट बैक विथ एन अपडेट शॉर्टली। ये मैंने रिक्वेस्ट किया था 3 दिन पहले, उसका जो रेजोल्यूशन आया है कल आया है, तभी मैं जब चेक कर रहा था मेरा जो लिमिट ऑलरेडी बढ़ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपका जो लिमिट है वो आप बढ़ा सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंपली कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको करना होगा, कौन से मेल पे आपको मेल भेजना है। यहाँ पे देख सकते हो, nodal.desk@axisbank.com, ये जो मेल है ये मेल पे आपको मेल करना होगा, और सब्जेक्ट पे आपको लिखना होगा क्रेडिट लिमिट एनहांसमेंट या फिर इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद आपको मेल लिखना होगा, देख सकते हो यहाँ पे मैं मेल लिख के रखा हूँ, इसको मैं आपको समझाने के लिए किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो, डियर एक्सिस बैंक कस्टमर सर्विस टीम, आई एम विक्रम सरकार, आई होप
email finds you well. I am writing to request an increase in my credit limit of my Axis Ace credit card. तो मैंने Ace credit card के लिए किया था, आप Axis Bank का जो भी credit card है उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा देख लीजिए, अभी copy paste करके करोगे problem हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ changes भी करना है आपको, which is associated with my account number is, आपके पास अगर Axis Bank का कोई भी account number है तो फिर बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर दे सकते हो, वरना यहाँ पर ये सेक्शन को आप लोग कार्ड मतलब कट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद माई क्रेडिट कार्ड लास्ट 4 digit, यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 digit है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। देन आई हैव बीन अ लॉयल एंड रेस्पॉन्सिबल कार्ड होल्डर विथ एक्सिस बैंक फॉर 1 year, इस तरीके से लिख सकते हो। एंड आई हैव कॉन्सिडरिंग मेंटेन ए पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस टाइम, आई हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड my financial obligation and demonstrate and strong ability to handle credit responsibility, तो ये responsibly, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, मैंने लिखा है आपको, आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके यहाँ से आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। as my financial needs involve, मतलब इसके अंदर मैंने लिखा है कि आप मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन, ये जो क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा है, आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए मेरा लिमिट, तो मैं उसका बेनिफिट ज़्यादा उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे देख सकते हो, टू कंसीडर माय एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट लिमिट इंक्रीज, आई अंडरस्टैंड दैट डिस्कशन रिगार्डिंग रिक्वेस्ट हैज बीन बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोफाइल, तो आपका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसके ऊपर ये बेस करके होता है। यहाँ पे देख सकते हो, टू सपोर्ट माय रिक्वेस्ट आई एम प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने करंट मेरा एनुअल इनकम यहाँ पे लिखा है, आपका जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, मिनिमम 3.5 लाख से ऊपर होना चाहिए तभी ये क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप लोग दे दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हो, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू एक्सपीडेट द रिव्यू प्रोसेस टू माई क्रेडिट लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट, आई हैव एडिशनली इन्फॉर्मेशन और, तो मैं अगर कुछ गलत यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मैं इंग्लिश उतना मतलब उतना भी अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो लिख सकता हूँ पर पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी एट, यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर दे सकते हो और यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है, जिसके तहत आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। उसके बाद मैं लिखा हूँ, देख सकते हो, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय रिक्वेस्ट, आई ग्रेटली वैल्यू इन रिलेशनशिप आई हैव विद एक्सिस बैंक एंड लुक फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रिस्पॉन्स, सिंसियरली मेरा नाम, अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। तो इस तरीके से आपको लिखना है और इसके साथ आपको 2 फाइल अटैच कर देना है, एक आपका जो इनकम टैक्स आप जो फाइल करते हो उसका जो सबमिटेड कॉपी है, और एक पीएल बैलेंस शीट होता है, ठीक है, आपके सीए या फिर आप जहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स फाइल करते हो उनके पास से आप मांगिएगा, तो आपको वो पीएल बैलेंस शीट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस शीट होता है वो आपको बना के देंगे, वो सबमिट करोगे। ये दोनों चीज़ सबमिट करने पर आपका जो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका हो जाएगा, 10% प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मेरे केस में भी सेम केस था पर मेरा हो गया है, तो मेरा जो मैंने एप्लीकेशन कर दिया है और मैं दोनों कार्ड को मतलब एक कार्ड मेरा 3 महीने का था, इस वजह से मैंने कर पाया, और 2 कार्ड थोड़ा सा पुराना हो जाए उसके बाद उसका भी बढ़ा लूँगा। तो ये प्रोसेस मैंने पर्सनली जो मैंने किया है करके देखा है, उसके बाद ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ना कि हवा में तीर चला दिया, ठीक है। तो प्रूफ आपके सामने है, आप अगर प्रूफ चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करना, उससे भी ज़्यादा प्रूफ आप वहाँ से मिल सकता है आपको। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हो, किस तरीके से हमने अप्लाई किया था फ्री फंड में, तो आप लोग उसको ले सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं भी अगर मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।